सभी मित्रों को नमस्कार, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मित्रों, काफ़ी वर्षों की मेरी तपस्या का आज फल मिला है और आप जो जिन धरा दीदी का मैं हमेशा से आपका परिचय कराता हूँ, मेरी प्यारी भांजी नव्या, हर हर महादेव नव्या। ये प्यारी जो आप बार बार मुझसे पूछते थे कि धरा दीदी से बात कब करेंगे, मेरी धरा दीदी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना अच्छा संस्कार दिए बच्ची को, हमारे सभी परिवारजन आपसे बहुत खुश हैं। और हमें सबका धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए। और भैया भी यहाँ पे बहुत ही माता की सेवा कर रहे हैं, हमने देखा आज बहुत ही अच्छा सब हो रहा है भैया के हस्त तक। जी जी जी, धन्यवाद, क्योंकि हमारे आप हमारे परिवार के सदस्य हो, जितने भी परिजन जिस दिन से आया हूँ लगभग 4 महीने एवरी डे सब पूछते हैं। और आने में थोड़ा वो मिलने में देरी हो गई क्योंकि बच्चे के साथ क्या है, पूरा दिन पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ रहता है। जी जी जी। जरूर याद तो करते हैं भैया को, पर आज सोचा यज्ञ है तो आ जाते हैं मिलने, तो दर्शन भी हो जाएंगे और भैया को भी मिल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नीरव सर, हमारे जीजा जी, मेरे परिवार जैसा आपको स्नेह, हमारे समस्त परिवार की ओर से हमारे दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्ज्वल भविष्य, स्वस्थ निरोगी जीवन की प्रार्थना करते हैं। दीदी के पास वर्क परमिट होते हुए प्यारी बिटिया नव्या के लिए इन्होंने इतना त्याग किया है कि अमेरिकन लाइफ या 4 महीने की अमेरिकन लाइफ में मैंने अनुभव किया है कि वाकई कितनी व्यस्त है। मैं पहले दीदी से बहुत नाराज हो जाता था छोटे छोटे, पर दीदी हमारे मेंटर है, मार्गदर्शक है, हमेशा मुझे इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। दीदी का स्पेशल थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।